न्यूज़ टेक्निकल आई चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ रियलमी 3 के बारे में। तो यहाँ पे इसके सारे स्पेसिफिकेशन, लीक, प्राइस सब कुछ यहाँ पे लीक हो के आ गए हैं और यह फोन जाके काफ़ी रेडमी नोट 7 को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टक्कर देने वाली है। तो फ्रेंड आप स्पेसिफिकेशन जानकर हैरान हो जाओगे, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना और जानना कि रियलमी 3 में कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन आ रहे हैं। तो सब कुछ फ्रेंड आपको हम डिटेल में बताएंगे, तो कर देना इसी बात पर एक वीडियो को लाइक। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि 28 फरवरी को यहाँ पर रेडमी ने रेडमी नोट 7 एंड रेडमी नोट 7 प्रो को लॉन्च किया है। तो वहीं पे जो कि टक्कर देने के लिए रियलमी ने जो माधव सेठ हैं यहाँ पे उन्होंने भी रियलमी 3 एंड रियलमी 3 प्रो को यहाँ पर लॉन्च करने वाले जो कि 4 मार्च को। तो रेडमी नोट 7 को यहाँ पर काफ़ी कड़ी टक्कर देगी जो कि रियलमी 3 एंड रेडमी नोट 7 प्रो को काफ़ी टक्कर देगी रियलमी 3 प्रो। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर आप अभी नहीं जानते हैं कि रियलमी 3 में क्या क्या स्पेसिफिकेशन आएंगे, तो फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओएस से। तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड पाई के साथ आएगा। कलर्स ओएस की बात करें तो आपको कलर्स ओएस 6 पे ये रन करेगा। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.3 इंच का आपको फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलेगी जो कि एक IPS LCD होगी। साथ में आपको वाटर ड्रॉप को नॉच भी दिया जाएगा। यहीं पर इसके प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर काफ़ी यहाँ पर अच्छी मिलने वाली है। आपको MediaTek का हीलियो का P70 प्रोसेसर मिलेगा जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह स्नैपड्रैगन 660 30% ज़्यादा मतलब बेटर काम करेगा जो कि खुद रियलमी के जो कि वहाँ पे माधव सेठ ने यहाँ पे इन्फॉर्म किया है। अपने ट्विटर पे एक टीजर जारी किया था कि स्नैपड्रैगन का 660 से 30% ये बेटर प्रोसेसर है जो कि हीलियो का P70। तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको प्रोसेसर काफ़ी दमदार दी जा रही है। बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पे कन्फर्म हो चुकी है जो कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे इसका पेज भी आ चुका है। आपको 4230 mAh की बैटरी मिलेगी। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट मुझे जहाँ तक लगता है आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो कि टेक्नोलॉजी चल रही है अभी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वाले चल, जैसे कि रेडमी नोट 7 में भी आपको मिला है। तो हो सके उसे टक्कर देने के लिए आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया हो। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है कि अगर 4230 mAh बैटरी के साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। यही भी बात कर लेते हैं इसके रैम एंड स्टोरेज के बारे में। जिसका बेस वेरियंट होगा आपको 4 GB एंड 64 GB के साथ में आएगा। कैमराज की बात करें तो यहाँ पर आपको जो रियर में मिलेंगे आपको 16+5 MP का रियर कैमरा मिलेंगे। ये तो कंफर्म है, बट यहाँ पे सेल्फी कंफर्म नहीं हुआ। सेल्फी में यहाँ पे दो दो लीक्स आ रहे हैं। कभी यहाँ पे कहीं बताया जा रहा है कि आपको 20 MP का मिलेंगे, कभी यहाँ पे 16 MP का मिलेंगे, बट यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे 16 MP का सेल्फी मिलेंगे और 16+5 MP का आपको रियर कैमरा मिलेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप बताओ कि कौन से कैमरे आएंगे तो नीचे कमेंट जरूर करना। सेंसर वगैरह की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको सारे सेंसर मिल जाएंगे। जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेंगे आपको रियर में मिलेंगे जो कि आप टीजर में देख सकते हैं जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर है बिल्कुल रियर में। आपको साथ में फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की बात कर ले तो आपको दोनों ही सिम आपको 4G सपोर्ट करने वाली है। तो फिर हम फाइनली बात कर लेते हैं इसके लॉन्च के बारे में एंड इसके प्राइस के बारे में। ये लॉन्च होगी आपको 4 मार्च में लॉन्च होगी जो कि ये मिलेंगे आपको रियलमी की वेबसाइट पर मिलेंगे एंड फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे। तो इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने प्राइस में लॉन्च होगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 11 से 12 हज़ार के बीच में रियलमी 3 लॉन्च होगी। तो फिर आप बताओ कि इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये फ़ोन कितने में लॉन्च होना चाहिए। मुझे तो जहाँ तक लगता है मैं अपना ओपिनियन सबसे शेयर कर दिया हूँ। तो इस वीडियो में इतने फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।